जुकाम यानी कि ज्यादा स्राव होना, किसका कि नाक से पानी बार बार गिरता रहता है, कफ बलगम की समस्या जिस व्यक्ति को होती है, आप देखते होंगे कि उनको एलर्जी थोड़ी सी भी होते ही बार बार छींके चलने लगती है, और किसी को बार बार पुराना जुकाम बिगड़ने लगता है, जिसके कारण नजला जुकाम की समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। नजला जुकाम अगर किसी व्यक्ति को होता है तो ये कई अंगों पर प्रभावित करता है। जैसे नजला जुकाम अगर नाक के अंदर ये इन्फेक्शन सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा तो आपको बार बार नाक से पानी गिरने की समस्या रहेगी, बार बार नाक से पानी टपकता रहेगा। इसी के साथ में किसी व्यक्ति को छींके आ सकती है, किसी का नाक जाम हो सकता है, या फिर नाक के अंदर से ऐसा लगता है कि कफ बलगम निकल रहा है। तो ये समस्या नाक के अंदर अगर प्रभावित होगी तो लगेगी। लेकिन यही नजला जुकाम अगर बिगड़ने लगता है तो सिर के अंदर चढ़ने लगता है, यानी सिर की समस्या ज्यादा दिखेगी। उसके अंदर क्या होएगा कि सिर भारी भारी महसूस होएगा, जैसे ही ठंड बढ़ेगी सिर के अंदर दर्द महसूस होएगा, और माइग्रेन जैसी समस्याएं उसके अंदर बढ़ने लगती है। अगर ये समस्या कान के अंदर होएगी तो आपके कान के अंदर भारीपन आ सकता है, कान में सर्र सर्र की आवाज आ सकती है, या भू भू की आवाज कान के अंदर से सुनाई दे सकती है, या फिर कान के अंदर भी दर्द महसूस हो सकता है, कान के आसपास के एरिया में दर्द और सूजन बढ़ने लगती है। लेकिन यही समस्या अगर गले के अंदर होती है तो बार बार ऐसा लगता है कि जैसे नाक का पानी गले के अंदर टपक रहा है, गिर रहा है, इससे कफ बलगम की समस्या बढ़ने लगती है, और गले के संक्रमण सबसे ज्यादा होते हैं, जिसमें खांसी का संक्रमण रहेगा और उसके साथ में बलगम गिरेगा। जैसे आप सब जानते ही हैं कि बलगम जो होता है वह पतला भी होता है और गाढ़ा रूप भी ले लेता है। इसके ऊपर मेरे काफी अच्छे जानकारी है, आप चाहे तो इस वीडियो को जरूर देखें कि अगर किसी के कफ बलगम है तो अपने रोग को कैसे ठीक करना चाहिए, और कफ बलगम की समस्या को जड़ से ठीक करने के लिए आपको किन चीजों का परहेज करना चाहिए। अगर यही नजला जुकाम आपके फेफड़ों को प्रभावित करता है तो आपके फेफड़ों में से गड़गड़ाहट की आवाज आने लगती है, ऐसा लगता है कि कुछ भारीपन महसूस हो रहा है, पीठ में और सीने में दर्द महसूस होने लग जाएगा। तो इस तरह से आपको नजला जुकाम के कई अंगों पर प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसी तरह से अगर आंख के अंदर भी नजला जुकाम का संक्रमण लगेगा तो आंखों में से कीचड़ आने की समस्या हो जाएगी, आंखें चिपचिपी ज्यादा रहने लग जाएगी, या फिर आंखों के संक्रमण ज्यादा होंगे और आंखों की रोशनी भी इससे कम होने लगती है। ये होती तो कई कारणों से होती है, जैसे अगर किसी व्यक्ति को बचपन में निमोनिया हो चुका है, लंग्स इन्फेक्शन हो चुका है, तो ये संक्रमण किसी भी मौसम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। या फिर किसी का पुराना जुकाम है, बचपन में सर्दी जुकाम बिगड़ा हुआ है, आपने काफी सारा ट्रीटमेंट किया है, थोड़ा सा ही जुकाम होते अगर आपको ऊपर खींचने की जुकाम आदत है तो वह सिर के अंदर चढ़ सकता है, गले में रह सकता है, कान की तरफ जा सकता है, तो ये संक्रमण भी इसके कारण होता है। अगर किसी को ठंड ज्यादा लगती है, मौसम जैसे ही बदलता है और एलर्जी होने लगती है तो भी नजला जुकाम जल्दी से होने लगता है। किसी व्यक्ति को कुछ खाने के पदार्थ से एलर्जी होती है, उन्हें पता नहीं चलता है, और इस प्रकार से जैसे ही वो कुछ खाएंगे उनके नाक से पानी टपकने लग जाएगा। जैसे कुछ व्यक्तियों को आपने देखा होगा कि कुछ ठंडी चीजें खाने के बजाय जैसे वो कोई गर्म वस्तु का सेवन करते हैं उनके अचानक से नाक से पानी टपकने लगता है, उन्हें रुमाल अपने पास रखना पड़ता है, छींके आने लगती है, तो ये कुछ खाने के पदार्थ से भी इस प्रकार की एलर्जी देख सकते हैं। अगर आपका पुराना से पुराना नजला जुकाम भी है तो आज जो मैं आपके साथ में रेमेडी शेयर कर रही हूँ, इसे बनाकर रोजाना आप रात को सोते समय लीजिए, आपका कितना ही पुराना नजला जुकाम होगा वह बिल्कुल साफ होने लग जाएगा, यानी जड़ से ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसी के साथ में अगर आपके फेस पर काफी ज्यादा कफ बलगम जमता है, साइनस की दिक्कत होती है, आपको बार बार एलर्जी हो जाती है, तो इस उपाय को आपको जरूर करना है। जैसे सर्दी जुकाम का संक्रमण अगर हम देखें तो शरीर के अंदर हमारा पाचन खराब होता है, उसकी वजह से भी होने लगता है। कई व्यक्तियों को पाचन जैसे ही खराब होएगा शरीर के अंदर कई तरह के रोग आने लगते हैं। मैं हमेशा बताती हूँ कि अगर आपका पाचन सही ढंग से काम नहीं करता है, अगर आपके पाचन संबंधित काफी सारे विकार है कि आपको कब्ज रहती है, आपको गैस बहुत बनती है, आपको एसिडिटी की समस्या है, यानी कि आपका पाचन सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, आपको फ्रेश होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो ऐसे में पाचन बिगड़ा हुआ समझते हैं।
ये पाचक की समस्या अगर आपकी बहुत ज्यादा खराब है तो इस पर भी मेरे काफी सारे नेचुरल रेमेडी वाले वीडियो है, आप उनको देख करके और अपने पाचन को स्ट्रोंग बना सकते हैं ताकि आपका खाना अच्छे से पचने लग जाएगा, तो आपके विकार पैदा नहीं होंगे, शरीर में रोग नहीं आएंगे। और तीनों दोष अगर संतुलित रहते हैं तो शरीर में किसी भी प्रकार के रोग नहीं आते। यहाँ पर बिल्कुल नजला जुकाम को क्योर करने के लिए आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता रहेगी। जैसे आप थोड़ा सा पहले पाउडर बना लीजिए, यानी 10-15 दिन का आप पाउडर बनाकर रख लीजिए और इसे रोजाना रात को गाय के दूध के साथ में लेना है। आपको क्या करना है, 50 ग्राम बादाम लेनी है और बादाम का आपको पाउडर बना लेना है। ज्यादा इसको बारीक पाउडर नहीं बनाना है, यानी हल्का हल्का साबुत पाउडर भी रहेगा तो चलेगा, यानी उसका दर दरा सा आपको बूरा बना लेना है। इसी तरह से जो सफेद मिश्री आती है वह आपको 20 ग्राम लेनी है, उसका भी आपको पाउडर घर पर ही बना लेना है। खसखस के दाने आते हैं, उसे पोस्ता दाना भी कहते हैं, ये हमारे दिमाग के लिए, खून बढ़ाने के लिए, एलर्जी को खत्म करने के लिए, पाचन के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा होता है। तो आपको क्या करना है, 50 ग्राम ही खसखस लेना है और उसका भी पाउडर तैयार कर लेना है। जैसे आप मिक्सर के जार के अंदर इनको डालेंगे, एक एक करके आप इनको पीस लीजिए। तो 50 ग्राम बादाम पीस लिया, 50 ग्राम आपने खसखस पीस लिया, और जो सफेद काली मिर्च आती है उसका भी आपको 20 ग्राम का पाउडर बना लेना है। तो आप ये काली मिर्च जो होती है हमारे औषधीय गुणों से तो भरपूर होती है, लेकिन ये किसी भी प्रकार की एलर्जी होती है पुरानी, उसको खत्म करने के रामबाण का काम करती है। आपने देखा होगा कि कई बार नमकीन बनाते हैं तो हम यहाँ पर काली मिर्च का प्रयोग या लाल मिर्च का प्रयोग नहीं करते, सफेद वाली जो काली मिर्च होती है उसका प्रयोग करते हैं, कलर जो होता है वह डिफरेंट है। तो यहाँ पर भी आपको 20 ग्राम काली मिर्च लेनी है, 50-50 ग्राम बादाम और खसखस का आपको पाउडर बनाना है, 20 ग्राम आपको काली मिर्च का पाउडर बनाना है और 20 ग्राम ही आपको सफेद मिश्री धागे वाली आती है उसका पाउडर बना लेना है। सिर्फ चार चीजों की आपको आवश्यकता रहेगी। इनको पाउडर को बना करके मिक्स करके एयरटाइट डिब्बे के अंदर भर करके रख दीजिए और रोजाना रात को जिस किसी भी व्यक्ति के नजला जुकाम की समस्या है उन्हें रात को गाय के दूध के साथ में एक चम्मच आप दूध के अंदर भी ऐड कर सकते हैं या फिर ऐसे ही आप इसको पी सकते हैं, जैसे आपने पाउडर खा लिया पहले और उसके ऊपर गर्म दूध ले लिया। इस तरह से रोजाना 15 दिन भी अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो पुराने से पुराने नाक टपकने की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आपका सर्दी जुकाम जड़ से ठीक हो जाएगा, इससे पाचन अच्छा हो जाएगा, शरीर में खून की कमी आ रही होगी तो वह सही हो जाएगी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने लग जाएगी, तीनों दोष इससे संतुलित हो जाएंगे और कफ दोष अगर बहुत ज्यादा बिगड़ा होगा तो ये भी बिल्कुल संतुलित हो जाएगा। तो इस तरह से इस उपाय को लगातार करिए और ये उपाय सर्दियों के मौसम में सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाता है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को भी बार बार नाक टपकने की समस्या है, नाक से पानी गिरता रहता है, बार बार बच्चा रुमाल लेता है, इसे साफ करता रहता है, उसको काफी दिक्कत होती है, अस्थमा हो जाता है, तो उसको भी आप इस पाउडर को बनाकर दे सकते हैं। ये बच्चे के भी जड़ से इस चीज को बिल्कुल ठीक कर देगा। तो किसी भी उम्र के अगर आप है, अगर नजला जुकाम बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है, साइनस की दिक्कत बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है, अस्थमा है, सर्दी जुकाम रहता है, एलर्जी रहती है, ये सब पर अच्छे से काम करेगा, इस उपाय को लगातार करिए। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि कोई सी भी रेमेडी तभी काम करती है जब हम कोई परहेज भी करते हैं। आपको क्या करना है, ठंडी चीजों से दूरी बनाकर रखनी है, तली हुई चीजें बिल्कुल नहीं खानी है, अचार का सेवन बिल्कुल नहीं करना है और ऐसी चीजें आपको बिल्कुल नहीं खानी है जो पाचन को भी बिगाड़ दे और एलर्जी को भी पैदा कर दे। इस तरह की चीजें आपको नहीं खानी है। कफ बढ़ने वाली चीजें भी आपको नहीं खानी है। गाय का जो दूध होता है वह कफ को नहीं बढ़ाता है, इसीलिए हम गाय के दूध के साथ में किसी भी रेमेडी को कर सकते हैं। लेकिन जिस किसी व्यक्ति को कफ बलगम की समस्या ज्यादा होती है, ऐसे व्यक्ति को डेयरी प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं लेना चाहिए और उनको भैंस का दूध बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, हमारे शरीर में और ज्यादा कफ बलगम को बढ़ा देते हैं। तो अगर ये कुछ ध्यान रखते हैं, कुछ परहेज करते हैं तो रेमेडी 100% वर्क करती है। अगर जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल रही है तो शेयर करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नई जानकारी के साथ में।